पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए, पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ। अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूँ या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूँ या प्रगति वहाँ ला सकता हूँ तो ज़रूर मैं आऊँगा। मेरा यही सोच है कि सेक्युलर रहना चाहिए और धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए और जो जो असल में लोग के मुद्दे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए और उसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि हम प्रगति और कैसे प्रगति की ओर कैसे जाएं। तो कहती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं देखिए, मुझे पता है कि मेरा परिवार पूरा सेक्युलर है और एक सेक्युलर देश के बारे में सोचता है हमेशा, और राजीव जी और इंदिरा जी के टाइम से भी वैसा ही सोच है। और रही बात मेरे सक्रिय राजनीति में आने की, देखिए आप देख रहे हैं जैसे मैं आज सेवा कर रहा हूँ, भंडारा है मेरे, हर हफ्ते भंडारा होता है और पूरे देश भर में मैं कुछ न कुछ सेवा करता हूँ या लोगों के बीच में रहता हूँ और जैसे भी मैं से लोगों के बीच से जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं इस गांधी परिवार का सदस्य हूँ और मेरे को बहुत मजबूती मिली है और जब मैंने लोगों के लिए ज़्यादा काम किया है और विकलांग बच्चे हों या अंधे बच्चे हों उनके लिए, तो चाहे मैं राजनीति में हूँ या ना हूँ मेरा ज़रूर मेरी मेहनत जारी रहेगी और लोगों के बीच में रहने की। और हाँ रही बात, तो पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूँ या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूँ या प्रगति वहाँ ला सकता हूँ तो ज़रूर मैं आऊँगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और उनका क्षेत्र को चुनूँ। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मन है कि आप इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए मेरा मन तो ये है कि पहले भी मैं जब राजनीति से दूर रहा पर अलग अलग पार्टियों ने मुझे किसी न किसी तरह राजनीति में खींचा क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके अपनाए मेरे को परेशान करने के लिए या गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे को परेशान करने के लिए, तो हमेशा मेरे को एक राजनीतिक टूल या सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट जैसे भी है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी इलेक्शन हो। पर लोगों को ये लगा है कि आप अगर अपनी बात रखेंगे तो अपने दफ्तर से या कोई एक उद्योगपति जैसे नहीं, आप एक राजनीति में आइए, एक सांसद होने के नाते आप उनको जैसे राजनीतिक जवाब दे पाएंगे अगर संसद में होते हैं। आप लैंड डीलिंग के ये सब, इन सब को आप कैसे लेते हैं? नहीं अब तो बहुत समय हो गया है और जो भी उन्होंने आरोप लगाए बेबुनियाद थे क्योंकि मैंने ईडी में भी जितने भी सवाल थे वो जवाब दिए और जहां से उनको लगा कि मैंने पहले अपना एक रुपया भी कहां से कमाया और उनको लगा कि मतलब 23,000 डॉक्यूमेंट में दिए उनको और जितने सवाल थे 15 बारी मैं गया हूँ और 12 से 15 घंटे मेरे को वहाँ रोका गया और जितने भी उनके आरोप थे वो बेबुनियाद थे। और आपको देखेगा कि जब भी इलेक्शन का समय होता है या जो बीजेपी की नाकामियाँ सामने आती हैं तो आपको दिखेगा कि मेरा नाम ज़रूर इस्तेमाल होता है। स्मृति ईरानी जी, अडानी का कोई फ़ोटो ले लेंगे पर वही कुछ साबित नहीं कर पाते हैं और वही मामला टल जाता है जब उनको लगता है ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं और जब उनको चुना गया है तो वो ऐसे ऐसी बातों की मतलब उसमें ध्यान दें जहाँ जैसे मणिपुर में इश्यूज़ हैं और जैसे भी आजकल प्रचार में जैसे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि मांस और मच्छी के बारे में, वो मतलब ये क्या टॉपिक्स हैं जो पूरे देश में इस चीज़ की बात करने की ज़रूरत पड़ रही है उनको अपने प्रचार में, और यही चीज़ वो आज वेस्ट बंगाल जा रहे हैं वहाँ तो बात नहीं कर पाएंगे मच्छी के बारे में, और
बिहार में भी वो ऐसी बात, आज वहाँ बिहार में भी जा रहे हैं, तो जो ये जो बेफालतू बातें हैं इससे एक प्रधानमंत्री की सोच के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि वो देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, देश के लोगों को क्या सोच रहे हैं, और वो एक तरीके से देखते हैं लोगों को। ये नहीं देखते कि हमारा देश में, हमारे देश में बहुत कल्चर है, हेरिटेज है, और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या क्या उनकी जो उनकी नहीं सोच नहीं जो उनकी वो है, जो अगर वो अपने भगवान, जिस भगवान को मानते हैं, और जो खाना चाहेंगे वो फ्री है, डेमोक्रेसी होती है, तो उनको फ्री रहना चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। पर वो जो ये जो फियर की पॉलिटिक्स है, जो डर बिठा दिया लोगों में कि वो व्हाट्सएप नहीं कर पाते हैं या मतलब कि कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये चीज़, ये माहौल हमारे देश के लिए प्रगति नहीं लाएगी। लोग छोड़ के जाएंगे जो उद्योगपति हैं, लोग परेशान रहेंगे, तो इस तरीके की राजनीति प्रगति की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, लोग अभी मीडिया में कुछ देखते हैं, पर आप लोगों से बात करेंगे रोड पे, आप उनकी बात समझेंगे, आपको लगेगा कि दुख दर्द बहुत है, लोगों में डर है, और जो बांटने की जो राजनीति हो रही है, खाली जब अयोध्या का भी मंदिर पूरा बना भी नहीं है और काफ़ी पुजारी तो गए भी नहीं थे, और ऐसे मुद्दों को इस्तेमाल करना राजनीति के बिल्कुल समय पर, 6 महीने पहले या 1 साल बात कर सकते थे, पर ये सारा दिखाई दे रहा है कि ये राजनीतिक प्रचार है ऐसे मुद्दे इस्तेमाल करना। और आप देखेंगे कि जो गठबंधन जो बना है वो मतलब बहुत मजबूत बना है, और आप अगर गठबंधन के जो लीडर हैं उनको आप हवालात में बंद करते हैं, और ये चीज़ भी 6 महीने और 1 साल पहले हो सकती थी, पर इन चीज़ों में मैं सहमत नहीं हूँ। और जब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का, और इसी से मेरा जो सोच है ये सामने है आपके पास। उन्होंने जिस तरीके से, जिस लालच से लोगों को खींचा है, कभी उन्होंने ये सोचा है कि मतलब कि वो लोग परिवार से नहीं आए, उनके परिवार राजनीति में नहीं थे, उनके परिवार राजनीति में थे, वो कांग्रेस में थे उस टाइम भी, उनके पिताजी, उनके माताजी या जैसे भी है उनके परिवार के लोग वो रूल कर, उनके भी संसद में थे, तो परिवारवाद से मैं बिल्कुल, जो उनकी सोच है वो गलत है, क्योंकि आप अपने पुरखों से, अपने परिवार से कुछ भी सीखोगे तो आप वो उनकी सोच को आगे ले जा सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो या स्पोर्ट्स में हो या राजनीति में भी हो। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि परिवार के बात की बात करेंगे, और जहां अगर कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, कहीं भी सरकार चल रही हो, अगर आप उसको तोड़ते हो और मतलब जिस तरीके से लालच करके 6 मंत्रियों को आप तोड़ते हो अपनी तरफ, तो इस तरीके से जो राजनीति है, लोग फिर भी परेशान हैं कि जो सरकार हमने चुनी है, हमने जिसको वोट दिया है, उनको अपने समय तक चलना चाहिए।